हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। हरतालिका तीज व्रत 2022 पूजा की थाली में रखना न भूलें सुहागने ये शुभ चीजें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन करेंगी। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में शिव गौरी की पूजा से अखंड सौभाग्य मिलता है। शास्त्रों में इस व्रत के कुछ जरूरी नियम बताए हैं, जिसमें पूजा के दौरान कुछ खास चीजों का होना बेहद जरूरी होता है। आज हम आपको पूजा की थाली में रखी जाने वाली इन्हीं खास चीजों के बारे में बताएंगे। हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त सायंकाल 3:20 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त सायंकाल 3:33 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगा 6:09 से 8:37 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। पूजा की थाली में क्या रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत के दिन पूजा की थाली में पूजा के लिए कुछ खास चीजों का होना आवश्यक माना जाता है, जैसे सूखा नारियल, जल से भरा कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 प्रकार के फल, सुपारी, अक्षत, धूप दीप, कपूर, गंगा जल, दूर्वा और जनेऊ आदि। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए महिलाओं को सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करने चाहिए। पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजन के लिए बालू के भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी बनाएं। इसके बाद इन्हें पूजा स्थल पर एक चौकी में स्थापित कर इनका श्रृंगार करें। अब प्रतिमाओं का तिलक कर सभी पूजन सामग्री उन्हें अर्पित करें। माँ पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाएं और भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण कर व्रत सम्पन्न करें। हरतालिका तीज सुहाग सामग्री। पौराणिक कथाओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए किया था। इसीलिए हरतालिका तीज पर सुहाग की सभी सामग्रियों का खास महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं द्वारा माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के साथ ही सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़िया व महावर, इन सभी का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।